नमस्कार दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में और आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगा अपने इस एक्शन कैमरे की। और इसके पहले मैं बता दूँ कि मेरी जो वीडियो होती है वो ब्लॉग पे होती है और इधर उधर की वीडियो होती है, तो मुझे अनबॉक्सिंग करने का कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। मैं कोई प्रोफेशनल रिव्यूअर भी नहीं हूँ, तो इसलिए बहुत अच्छा रिव्यू भी मैं नहीं दे सकता। लेकिन इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा इसको अनबॉक्स करके इसका रिव्यू देने की। हालांकि बॉक्स तो मैंने पहले ही खोल लिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आज इस बॉक्स को आपके सामने खोलूँगा एक बार और आपको बताऊँगा कि मुझे इस बॉक्स में क्या क्या मिला है कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों, ये मैंने पेटीएम से ऑर्डर किया हुआ है, स्पोर्ट एक्शन कैमरा है ये, और ये मुझे मिला है कुल 2000 रुपये का, करीब 2000 रुपये का मिला है ये मुझे, 1900 रुपये का पड़ा ये। तो एग्जैक्ट प्राइस क्या है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो एग्जैक्ट 2000 के आसपास मेरे को ये मिला हुआ है और रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा मुझे मिला है। बाकी इसके साथ में क्या क्या मिला है और क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज अपने इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, रिव्यू स्टार्ट करता हूँ मैं इस पर। तो सबसे पहले मैं अपने इस बॉक्स को खोलूँगा। तो मुझे इस बॉक्स में मिलता है ये एक्शन का कैमरा, वाटरप्रूफ केस के साथ में ये कैमरा है। अगर इसे पानी में भी डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी में ये ख़राब नहीं होगा, तो पानी में भी ये वाटरप्रूफ रहता है। 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो रेट के हिसाब से कैमरे की क्वालिटी ठीक ठाक है। मैंने शूट करके देखा इसको, तो रेट के हिसाब से मुझे कैमरे की क्वालिटी ठीक ठाक लगी। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर सामने आपको एक स्क्रीन मिलती है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं क्या क्या वीडियोस आपके रिकॉर्ड हो रही है, आपके सामने दिख सकता है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ यूज़र मैनुअल भी है, आप इसको ऑपरेट करके चेक कर सकते हो कि इसमें कौन सा फीचर, आपको फ़ोटो खींचना है, क्या करना है, फ़ोटो खींचना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। और कितने फुल एच डी है ये, 1080p फुल एच डी है, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो। और कोई चीज़ स्क्रीन में आपको ठीक ठाक दिख जाता है सारी चीज़ें, कोई चीज़ स्क्रीन में आपको आसानी से दिख जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कैमरे के अंदर मिलती है। और बेसिकली और सारे फीचर्स की मैं बात करूँ इसमें, तो ये 1080p वाटर प्रूफ के हिसाब से ये कैमरा है, जिसमें से आप 1920 स्पेसिफिकेशन की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें आपको 1080p वाटर प्रूफ केस के साथ में एक कैमरा मिलता है, जिसमें आप HD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और वाइड एंगल 140 डिग्री पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आराम से। और अप टू 30 मिनट तक ये वाटर प्रूफ है। अगर आप इसको पानी में डालते हैं तो 30 मिनट तक ये पानी को झेल सकता है, 30 मिनट तक ये ख़राब नहीं होगा, 30 मिनट तक इसमें पानी नहीं जाएगा। तो ये आप 30 मिनट तक आप ये आसानी से आपको बचा सकता है पानी से। तो 30 मिनट तक के लिए तो ये पूरी तरह से वाटर प्रूफ है। और ये मल्टीलिंगुअल है, आपको यहाँ पे इंग्लिश के अलावा और भी कई सारी लैंग्वेज मिल जाती है, इनको यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपको इंग्लिश आती है तो वेल एंड गुड है, इंग्लिश आपको नहीं आती है, आपको कोई अदर लैंग्वेज आती है तो उसका भी ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। उसके अलावा आप यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड इसमें लगा रहता है, माइक्रो एसडी कार्ड आप 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB जितनी जी बी का चाहो उतनी जी बी का आप लगा सकते हो। और उसके अलावा इसकी बैटरी, इसमें बैटरी जो मिलती है वो 900 mAh की मिलती है, तो इसका जो बैकअप है करीब 1.5 घंटे तक का आसानी से आपको मिल जाता है। और इसमें इनपुट आउटपुट USB केबल भी दिया हुआ है। तो आइए मैं इस कैमरे को ओपन करता हूँ और ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि कैमरे के अंदर क्या क्या है। तो इस कैमरे को ओपन करने के लिए यहाँ पे स्लाइड दिया हुआ है, इसको खींच के हम पीछे से जब उखाड़ेंगे तो ये कैमरा खुल जाता है आपका। इसको खोल के मैंने ये कैमरा निकाल लिया है, ये छोटा सा कैमरा है। यहाँ से पावर ऑन होता है इस कैमरे का, बटन दबाते ही पावर ऑन हो गया है यहाँ पे। और उसके अलावा फिर ये ओके के बटन है और ये जूम की बटन है, जूम भी कर सकते हैं, अप डाउन भी कर सकते हैं। और उसके अलावा ये USB पोर्ट दिया हुआ है और उसके अलावा ये यहाँ पे बैटरी का दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक बैटरी मिलती है, छोटी सी बैटरी है, 900 mAh की, तो आपको कम से कम 1.5 घंटे का बैकअप आसानी से दे सकती है। और मुझे लगता है 2000 mAh 1.5 घंटे का बैकअप मिल रहा है तो वो काफ़ी ठीक ठाक है, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि हाँ ठीक है, तो इतना बैकअप आपको मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा एसेसरीज़ की बात करूँ कैमरे के साथ में आपको क्या क्या एसेसरीज़ मिलती है, तो उसमें आपको सबसे पहले एक
टेप मिलता है, अगर आप हेलमेट पे चिपकाना चाहें तो आप इस तरह से चिपका सकते हैं। आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चिपका लिया हुआ है इसको, तो मैं इसको आपको निकाल के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने यहाँ पे चिपका लिया है। तो जस्ट आप इसे किसी भी सरफेस पे चिपका सकते हैं, किसी भी हेलमेट पे चिपका सकते हैं, कहीं भी जहाँ पे भी आपको इसको यूज़ करना है वहाँ पे आप चाहो तो चिपका सकते हो। तो मुझे बेसिकली ये मैंने बाइक पे राइडिंग के लिए मंगाया था, तो मुझे हेलमेट में लगा के यूज़ करना होता है, तो मैंने इसे हेलमेट में लगा रखा है, तो मैंने लगा लिया है, इसलिए मैं आपको वो नहीं दिखा सकता। लेकिन हाँ, बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बाकी चीज़ें में ये मिलता है आपको, इसे आप हेलमेट हैंडल पे लगा सकते हो, आपके बाइक पे हैंडल पे, साइकिल के हैंडल पे आप इसको खोल के, यहाँ से खोल के आप ऐसे टाइट करके लगा सकते हो इसको। और उसके अलावा आपको ये मिलता है, आप इसमें कैमरे को अंदर फिट कर सकते हो, और अगर आप वाटरप्रूफ केस में नहीं रखना चाहते हो तो आप इसमें भी डाल के आप कैमरे को यूज़ कर सकते हो। तो वैसे मैं तो अभी इसी को यूज़ कर रहा हूँ, वाटरप्रूफ तो मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, मैं अभी इसी को यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वाटरप्रूफ यूज़ करना है तो आप वाटरप्रूफ में केस में डाल के यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी हल्का लगता है, तो मैं ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट टाइम पर। और उसके अलावा आपको कुछ ये चीज़ कुछ और चीज़ें भी मिल जाती हैं, सारी चीज़ें माउंट कर सकते हो आप, हेलमेट माउंट करना है या फिर कहीं भी माउंट करना है तो माउंट करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है इसमें। इसके साथ साथ में आपको मिलता है एक USB केबल, कैमरे के साथ में आपको USB केबल मिलता है, जिसका यूज़ करके आप इस कैमरे के जो डाटा है उसको अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे देख सकते हो, और शायद बैटरी भी चार्ज करता हो, पर इसका मुझे आइडिया नहीं है, मैंने बैटरी चार्ज करके अभी नहीं देखा है, तो शायद ये बैटरी चार्ज करता हो, उसके लिए आप देख लीजिएगा, या तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा बाद में किसी और वीडियो में कि बैटरी चार्ज होती है इससे या नहीं होती है, लेकिन डाटा आपको दिख जाएगा वो 100% है। उसके अलावा आपको साथ में ये कुछ पट्टे मिलते हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं, आप अगर टेप का यूज़ नहीं करना है तो आप इन पट्टों का यूज़ करके भी आप कैमरे को माउंट कर सकते हैं। तो इन पट्टों का यूज़ कैसे करना है यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आप इस तरीके से यहाँ फंसा सकते हैं, इसमें डाल के आप फंसा सकते हैं और अपने इस कैमरे को माउंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी डाल के आप कैमरे को कहीं पर भी माउंट कर सकते हैं, किसी भी जगह पे बांध सकते हैं। तो अगर आपको टेप नहीं यूज़ करना है तो आप उसका यूज़ करके भी कैमरे को माउंट कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है, ये बहुत अच्छा दिया है इन्होंने कि यूज़ के लिए बहुत ही काम का है, कि भी टेप का क्या है, कहीं भी आपने जगह चिपका दिया तो वो वहीं पर रहेगा, मुझे लगता है बार बार आपने उसको खोला तो वो ख़राब हो जाएगा। तो ये आप बार बार खोल सकते हो, बार बार यूज़ कर सकते हो, कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग बात करें दोस्तों, तो प्राइस के अकॉर्डिंग आपको जो चीज़ें इस कैमरे में मिली हैं वो बहुत ही अच्छी है। प्राइस के अकॉर्डिंग तो वो बहुत ही 2000 में जो जो चीज़ें हमें मिल गई हैं वो बहुत ही अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता कि 2000 में और कुछ चीज़ें मिल सकता है। वैसे बेसिकली आपको ये कैमरा एकदम GoPro की तरह दिखता है, तो दिखने में भी एकदम GoPro के जैसा है, अगर कोई नाम ना देखे तो कोई पहचान नहीं सकता, और कैमरा कहीं नाम भी नहीं लिखा कंपनी का, तो एग्जैक्ट GoPro की तरह दिखता है ये कैमरा। तो अगर आप ओरिजिनल GoPro को एक्शन कैमरा खरीदते हो तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है मार्केट में, वो शायद किसी स्टार्टअप ब्लॉगर के लिए पॉसिबल नहीं होता है अफोर्ड करना, तो जिनका स्टार्टिंग है वो अफोर्ड नहीं कर सकते उतना महंगा कैमरा, क्योंकि जब तक इनका मार्जिन ना स्टार्ट हो जाए उनके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो अगर आप स्टार्टअप ब्लॉगर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत ही आसानी से 2000 में खरीद सकते हैं, 2000 बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो आप इसको खरीद सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। कैमरे की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं, ख़राब भी नहीं है, तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और सिंपल कैमरा है, यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, GMX का ये लाइफ स्टाइल एक्शन कैमरा मैंने पेटीएम से ऑर्डर किया था, मैंने इसको अभी तक रोड पे यूज़ नहीं किया है, तो मुझे अभी रोड का एक्सपीरियंस इसका नहीं है कि रोड पे ये कैसा रिस्पॉन्स देगा। तो अभी तो मैंने इसको नॉर्मली यूज़ करके इधर उधर घर में देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसको मुझे रोड पर टेस्ट करूँगा, फिर मैं आपको रोड पर टेस्ट करके आपको बताऊँगा कि ये रोड पर कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। अभी तो ये फिलहाल मैंने घर में चेक किया तो बहुत अच्छा ठीक रिस्पॉन्स मुझे मिला, आई होप कि रोड पर भी अच्छा रिस्पॉन्स दे। तो रोड पे अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊंगा, और अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा है, 2000 के रेंज के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइएगा, और हम आपके रिस्पॉन्स का वेट करते रहते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइए, और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फिलहाल तो हमारे पास सब्सक्राइबर बहुत कम है, अभी तो मैं 1000 से भी नीचे हूँ, और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो
दोस्तों अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किस नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आप वो मुझे बताओ, तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए तो बस यही है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तो देखते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो क्या होता है, उसका टॉपिक मैंने अभी फिलहाल नहीं सोचा है। इस वीडियो के लिए मैंने सोच रखा था कि हाँ मुझे नेक्स्ट वीडियो इसमें रहना है, तो मैंने इस टॉपिक पर दे दिया। अगली वीडियो किस चीज़ पर होगी, ब्लॉग होगा या कुछ और होगा, वो अभी मुझे कन्फर्म नहीं है, तो वो मैं देखता हूँ कि मैं क्या बनाता हूँ। तो अभी कन्फर्म नहीं है, एक दो दिन में मैं कुछ कोई और नई वीडियो अपलोड करूँगा। अभी के लिए बाय दोस्तों, शुक्रान माशा अल्लाह सब्बा खैर ETC, आपको जो अच्छा लगे आप रख सकते हो। अभी के लिए बाय, और कीप सपोर्टिंग मी, हमें सपोर्ट बनाइए ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकें। तो अभी के लिए बाय।